सो हे वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर, इट्स का प्रोडक्शन एंड आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ काइंड मस्ट बी न्यू वायरल लूफी सॉन्ग स्टेटस वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीजों को बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड अब अपने वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले काइंड मस्टर को ओपन करना है एंड प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है, देन 9:16 रेशियो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपना बैकग्राउंड लेके आना है। जिस भी फोटो के ऊपर आप एडिटिंग करने वाले हो उस वाले फोटो को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी फोल्डर में आपका फोटो होगा उस फोल्डर को आप सेलेक्ट करना एंड अपने इमेज को यहाँ पे ऐड करना है। अब बोलोगे यार इस टाइप का इमेज मैं कहाँ से लाऊं, तो देखो भाई 2-3 इमेज का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जहां से कि आप इस टाइप का इमेज ला सकते हो, कपल वाला बोल लो या फिर बोल लो कोरियन कपल, ठीक है। तो इन सब का आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। ओके, यानी अपने फोटो का ड्यूरेशन हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। मैं अप्रॉक्स 15 सेकेंड इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। 15 सेकेंड मैंने इंक्रीज कर दिया, देन लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको एक वीडियो इंपोर्ट करना होगा। अब देखो मैं जो भी मटेरियल यूज कर रहा हूँ ना उन सभी का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक ग्रीन स्क्रीन ऐड करने वाला हूँ, तो इसका भी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ग्रीन स्क्रीन को हम यहाँ पे ऐड कर दे, देन यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद फिल स्क्रीन, तो फिल हो गया, देन बैक करेंगे एंड क्रोमा की के ऊपर क्लिक करके इसे इनेबल कर देंगे और यहाँ से जस्ट कलर हम ब्लू सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, देन इसे थोड़ा अच्छे से फिक्स कर लेंगे हम, देन डन करते और अपना फेस को ना हम थोड़ा अच्छा से यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। मीन्स अपने फोटो के ऊपर हमें क्लिक करना होगा, देन पैन एंड जूम के ऊपर क्लिक करना है एंड इसे थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें एडजस्ट कर लेना है। देन इक्वल टू वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा, देन डन करते। तो अब देख पाओगे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका। अब आपको इसे एक्सपोर्ट करना है एंड यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट हो जाए देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम करेंगे। तो फाइनली ये हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है, नाउ बैक करते हैं। बैक करने के बाद हमें एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना होगा, वही सेम रेशियो का 9:16 का एंड अगेन यहाँ पे हमें एक फोटो ऐड करना होगा। ओके, मीन्स वही अपना फोटो को ऐड करेंगे, बट उससे पहले ना आप यहाँ पे बैकग्राउंड पे आना एंड एक ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर लेना। ओके, बैकग्राउंड ऐड करके इसे भी 15 सेकेंड के अप्रॉक्स इंक्रीज कर देते, देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना फोटो को ऐड करना। ओके, तो लेयर के ऊपर क्लिक करते, मीडिया के ऊपर क्लिक करते एंड अपना फोटो को यहाँ पे ऐड करेंगे और इसे ना आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा साइज इंक्रीज कर देना है कुछ ज़्यादा ही। ओके, देन पूरे वीडियो के लास्ट तक लाना होगा इसका साइज और यहाँ पर आपको एनिमेशन की देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा आपको आगे आना है, प्लस का बटन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसे आइधर आप लेफ्ट मूव करवा दो या फिर आप राइट मूव करवा दो, जिधर आपको अच्छा लगता है आप उधर कर सकते हो। तो मैं अभी लेफ्ट मूव करता हूँ, देन थोड़ा सा आगे आने के बाद फिर से प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करेंगे एंड इसे लेफ्ट मूव कर देंगे। ओके, तो इसी तरीके से आप लेफ्ट टू राइट मूव करते करते पूरा वीडियो के लास्ट तक आ जाना, तो देख सकते हो मैं यहाँ पर इस बार लेफ्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मैं इसे राइट कर देता हूँ। तो अब देख पाओ कुछ ऐसा एनिमेशन हमारा बन जाएगा लेफ्ट टू राइट वाला। ओके, ना उसके बाद लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, बेसिक इफेक्ट में ही आपको गॉसियन ब्लर मिलेगा, इसे सेलेक्ट करके डन कर देना है। ओके, देन इसका पूरा वीडियो के लास्ट तक ड्यूरेशन को हम कर देंगे और इसका सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसे 5:6 5 या फिर 6 रख लेना, काफ़ी सही रहेगा। देन डन करते हैं एंड इसे पूरा स्क्रीन पे हम फिल कर लेते हैं। ओके, पूरा स्क्रीन में फिल हो गया। अब हमें एक और वीडियो ऐड करना है, अगेन इसका भी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेयर के ऊपर क्लिक करते, मीडिया के ऊपर क्लिक करते एंड ये वाला पार्टिकल इफेक्ट का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ऐड कर लेना। ओके, फिर से स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिल स्क्रीन। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग पे आके जस्ट इसे स्क्रीन सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप देख सकते हो ऐसा इफेक्ट हमारे क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमें लेयर के ऊपर क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर क्लिक करना है एंड अभी जो आपने एक्सपोर्ट किया था उस वाले वीडियो को हमें यहाँ इंपोर्ट करना होगा। फिर से स्प्लिट स्क्रीन, फिल कॉम्पोजिशन एरिया, देन क्रोमा की एंड उसके बाद इसका क्रोमा की में ग्रीन कलर, ठीक है। तो ग्रीन कलर हमारा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं है ना। उसके बाद आप चाहो तो थोड़ा बहुत इसे एडजस्ट कर सकते हो,
देन यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो स्टेटस है वो 90% क्रिएट हो चुका है। हमें जस्ट यहाँ पे फ्लैश इफेक्ट और अपना जो लिरिक्स है वो ऐड करना है। अब फ्लैश इफेक्ट या फिर लिरिक्स ऐड करने के लिए लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे एंड अपने फ्लैश इफेक्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे। अब इसका भी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम इसे ऐड कर लेते हैं, पूरा स्क्रीन में फिल करते हैं एंड इसका भी ब्लेंडिंग को जस्ट यहाँ से हम स्क्रीन सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख पाओगे इसमें जो फ्लैश इफेक्ट है वो आ जाता है। ठीक है, मैं इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हो। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे अपना लिरिक्स ऐड करना है। लिरिक्स ऐड करने के लिए फिर से लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम अपना लिरिक्स को ऐड कर लेंगे। ओके, लिरिक्स ऐड हो गया, इसे अच्छे से स्क्रीन में हम एडजस्ट करेंगे और इसका जो ब्लेंडिंग है उसे स्क्रीन सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो इसका ब्लेंडिंग पे आता हूँ, स्क्रीन सेलेक्ट करते हैं एंड इसे नीचे में एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा अच्छे तरीके से आप साइज अपने हिसाब से देख लेना और एडजस्ट कर देना। नाउ अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो स्टेटस है वो परफेक्टली क्रिएट हो चुका है। ओके, अगर आप चाहो तो इसका जो ब्लर स्ट्रेंथ है ना उसे आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, जिसके कारण के बैकग्राउंड पूरा ब्लरिस हो जाएगा तो काफी अच्छा लगेगा देखने में। ओके, नाउ हमारा स्टेटस बन के रेडी हो चुका। अब एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इसे कर लेंगे एक्सपोर्ट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बात रही फोटो कैसे डाउनलोड करना है, तो देखो यार फोटो डाउनलोड करने के लिए ना आप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो जिसका नाम है Pinterest। ओके, Pinterest के बारे में मैं भी आपको पता हो, नहीं भी पता हो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादातर फोटोज़ यहीं से डाउनलोड करता हूँ। आप देख सकते हो तो फोटोज़ भी मुझे सजेस्ट कर रही है। तो आपको सिंपली से क्या करना है, यहाँ सर्च वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे जस्ट आपको कपल कोरियन इस टाइप का कोई भी आपको लेटर लिख देना। ठीक है, कपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड कोरियन लिख देता हूँ, देन आपको सर्च कर देना है। तो आप ऐसे लिखोगे तो क्रिया लिखा गया मेरे से, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे मिल गया ना फोटो। अब फोटो को डाउनलोड कैसे करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आपको और फोटो चाहिए तो आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको और फोटोज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से फोटो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।